बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपके पास सेवंथ लेक्चर ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन। हमने इससे पहले बात की थी कि हम बात करेंगे कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन के बारे में। आपको पता है कि कैल्सिटोनिन कहाँ से सिक्रीट होता है? कैल्सिटोनिन ये थायराइड ग्लैंड है, मैंने बताया था। थायराइड ग्लैंड में जो पैरा फॉलिकुलर सेल होते हैं उनसे सिक्रीट होता है कैल्सिटोनिन, मैं बता चुका हूँ। पैरा फॉलिकुलर सेल कैल्सिटोनिन और थायराइड ग्लैंड के ऊपर जो पैरा थायराइड ग्लैंड है उससे पैरा थार्मोन सिक्रीट होता है। ये दोनों हार्मोन मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि ये दोनों हार्मोन प्रोटीन इन नेचर है। नेचर छोड़ दो, फंक्शन बताओ। ये दोनों हार्मोन आपस में एंटागोनिस्टिक है। एंटागोनिस्टिक की मिसाल एक शख्स की दो बीवियां है, चाहे वो दोनों जितनी बुजुर्ग क्यों ना हो, लेकिन आपस में तो दो बीवियों के इख्तिलाफात होते हैं। अगर इनमें से एक बीवी कहे कि अलुगान लाओ, तो दूसरा कहेगा कि मैं कहेगी कि मैं मर जाऊंगी लेकिन अलुगान नहीं खाऊंगी, तो दूसरे कहेगी तुम तोरबा टिंगड़ लाओ। ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट है। जब दो चीजें अपोजिट फंक्शन करते हैं सो दैट इज कॉल एंटागोनिस्टिक हार्मोन। ठीक है, अब कैल्सिटोनिन, सिंपल सी बात, पहले शॉर्टकट में इसे के फंक्शन को समझे। कैल्सिटोनिन का काम है डिक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल, डिक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। बहुत ज्यादा जब इंक्रीज हो जाते हैं तो कैल्शियम से कम कर देते हैं। पैराथार्मोन इसका अपोजिट करते हैं, तो मैं सिर्फ लिखूंगा इंक्रीज कैल्शियम। तो बस आप समझ जाए कि इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, अब जी ये किस तरह करते हैं, तो इसके अपने मैकेनिज्म है। पहले दो तीन बातों को समझे, और वो दो तीन बातें ये है कि ब्लड में कैल्शियम को कम करना होगा तो कैसे होगा और ज्यादा करना होगा तो कैसे। तो ये मिसाल समझे। मिसाल के तौर पर ये है ब्लड, क्या है? ये है ब्लड। अब जी ब्लड में कैल्शियम कहाँ कहाँ से आता है और कहाँ कहाँ जाता है? ठीक है, तो ये देखिए ब्लड में कैल्शियम के आने के दो तीन तरीके हैं। एक तो ये कि जब खराब खा लेते हैं और उसमें कैल्शियम आ जाता है तो इंटेस्टाइन से, ये देखिए ये एसोफेगस, ये स्टमक और ये इंटेस्टाइन, एसोफेगस और स्टमक, तो इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हो जाती है और इस तरह खूब ज़्यादा कैल्शियम ब्लड में आ जाता है। एक तो है एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हो जाती है इंटेस्टाइन में और इस तरह आप लोगों के पास क्या हो जाता है, कैल्शियम की कंसंट्रेशन वो ब्लड में नॉर्मल हो जाती है। शाबाश, आप लोग के पास ब्लड में कैल्शियम कहाँ से आता है? एक तो इंटेस्टाइन से आता है, कहाँ से आता है? इंटेस्टाइन से आता है। दूसरा आप लोगों के पास, आपने निफ्रॉन का सुना होगा, किडनी में निफ्रॉन, तो निफ्रॉन से भी कैल्शियम की आप जो एब्जॉर्प्शन होती है उसके लिए वर्ड एब्जॉर्प्शन यूज नहीं करते, उसके लिए रीएब्जॉर्प्शन यूज करते हैं। सो मैं शॉर्टकट में अगर बताना चाहूं तो इस तरह बताऊंगा कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में होती है और कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन वो निफ्रॉन में होती है। इन तरीकों से कैल्शियम ब्लड में आ जाता है। अच्छा, अब जब ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो जाता है तो फिर आप क्या करते हैं अक्सर, ये इसके अलावा भी, तो हमारे पास जो बोन होते हैं, क्या होते हैं बॉडी में? बोन। तो हम एक्सेस ऑफ कैल्शियम उसे जाकर बोन में जमा कर लेते हैं। इस वजह से बोन हम कहते हैं स्केलेटल सिस्टम है रोल इन होम्योस्टेसिस। ये जुमला जो मैंने कहा ये बेहद इंपॉर्टेंट है बायो में। स्केलेटल सिस्टम के बहुत से फंक्शन में एक रोल है, स्केलेटल सिस्टम है रोल इन होम्योस्टेसिस। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि स्केलेटल सिस्टम का होम्योस्टेसिस में भी रोल है। होम्योस्टेसिस में इस तरह रोल है कि कैल्शियम जब हमारे पास ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो हम जाकर बोन में जमा कर देते हैं और फिर जब हमें ज़रूरत होती है तो फिर वापस बोन से कैल्शियम को ले आते हैं। तो ये होम्योस्टेसिस में रोल है ना। अब जी कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है? कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज करता है। बहुत आसान फंक्शन में बता रहा हूँ। कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम डिक्रीज करने के दो मेन तरीके हैं। एक जो ब्लड में जहाँ से कैल्शियम आ रहा है वो रास्ते बंद कर दे, और दूसरा जो एक्सेस ऑफ कैल्शियम है उसे जाकर बोन में जमा कर दे। तो सिंपल, कैल्सिटोनिन डिक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल बाय इनहिबिटिंग द एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हो रहा है उसके लिए वर्ड यूज होता है एब्जॉर्प्शन, और निफ्रॉन में जो होता है उसके लिए वर्ड यूज हो रहा है री एब्जॉर्प्शन। तो कैल्सिटोनिन क्या करता है? कैल्सिटोनिन डिक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल
by inhibiting band karna the absorption and reabsorption of calcium, and also calcitonin carry the excess of calcium into the bone, and due to this the blood calcium level decrease ho jata hai. Aur simple si baat, parathormone kya karta hai? Parathormone iske opposite, jab blood calcium level bahut zyada kam ho jata hai to uski wajah se masle ban sakte hai, muscle contraction mein, nervous system ke transmission of impulse mein masle ban sakte hai. To phir dobara blood mein calcium ko normal karna chahiye. Jab bahut zyada kam ho jata hai to jaldi se parathormone secrete ho jate hai aur parathormone opposite function kar leta hai, wo jaakar stimulate or activate the absorption and reabsorption of calcium. Parathormone dobara use start kar deta hai. Fark sirf itna hai ki calcitonin inhibit the absorption and reabsorption of calcium aur parathormone stimulate ya activate the absorption and reabsorption of calcium. Aur parathormone jaakar bone se bhi kehta hai, chiza mutra hamare nana ne aapko kuch calcium diya tha aur wo aapke paas maujood hai, to aap is tarah kare ki hame apna calcium wapas kar de. To parathormone जाकर तो बोन इसे कैल्शियम वापस करना नहीं चाहता और झगड़े करता है, नहीं मेरा नहीं वो मेरा है, और इस तरह. तो पैराथार्मोन बोन के अंदर एक सेल होता है जिसको ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट. पैराथार्मोन उसे कहते थे. ऑस्टियोक्लास्ट आर आल्सो कॉल्ड बोन मैक्रोफेज, डॉग्स, दे आर डॉग्स. तो पैराथार्मोन उसको 5-6-10 रुपए उसके जेब में डालकर, किसके? ऑस्टियोक्लास्ट के जेब में डालकर कहते हैं कि जकन यार कुछ करो ना शाबा कैल्शियम. तो ऑस्टियोक्लास्ट बोन की रिजॉर्प्शन, वर्ड समझे खा, बोन की रिजॉर्प्शन स्टार्ट कर देता है. ईटिंग ऑफ बोन इज कॉल्ड रिजॉर्प्शन. एक था एब्जॉर्प्शन, एक था रीएब्जॉर्प्शन, और एक है रिजॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में जो होते, रीएब्जॉर्प्शन जो अब निफ्रान में, और रिजॉर्प्शन ईटिंग ऑफ बोन. तो ये जो पैसे के लिए बंदा अपने घर वालों को भी खाता है, ऑस्टियोक्लास्ट बोन की ईटिंग स्टार्ट कर देता है, और उसमें जो कोलेजन होते हैं बोन में उसकी डिग्रेड करके कैल्शियम को छोड़ देता है. जिस तरह कोई बच्चा, कोई शख्स वो गोश्त का कर हड्डी बाहर फेंक देता है, तो ये कैल्शियम बाहर फेंक देता है, और कैल्शियम इस तरह ब्लड में इसकी ट्रांसपोर्ट होती है. तो इस तरह पैराथार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर देता है अप टू नॉर्मल. अब आपके पास दो कंडीशन है. कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करने में दो हार्मोनों का रोल हुआ, कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन का. तो अगर आपके पास किसी टेस्ट में आ जाए, चाहे किसी लेवल का भी टेस्ट हो, के दो कंडीशन है. एक आप लोग के पास है हाइपोकैल्सीमिया. हाइपो में आपको 1,03,85,222 मरतबा बता चुका हूँ कि आपके पास हाइपो कम को कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया. तो हाइपो मीन कम, कैल्सियम मीन कैल्शियम, ईमिया मीन ब्लड. तो लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, ये किसकी वजह से होगा? और हाइपरकैल्सीमिया. हाइपरकैल्सीमिया किसकी वजह से होगा? हाइपर मीन ज़्यादा, कैल्शियम मीन कैल्शियम, और ईमिया मीन ब्लड. तो सिंपल सी बात है. तो अगर ईटाएमडी केड हो या किसी एनम्स में भी आ जाए, कि मैं बता रहा हूँ इस पॉइंट को गौर से समझे, डिफिशियंसी ऑफ कैल्सिटोनिन और सफिशियंसी ऑफ पैराथार्मोन काज डैश हाइपोकैल्सीमिया या हाइपर. डिफिशियंसी ऑफ कैल्सिटोनिन एंड सफिशियंसी ऑफ पैराथार्मोन. तो सिंपल सी बात है, हाइपरकैल्सीमिया. डिफिशियंसी ऑफ कैल्सिटोनिन, डिफिशियंसी ऑफ कैल्सिटोनिन जब कम हो जाएगा तो कैल्शियम ब्लड में, हाई कैल्सिटोनिन का काम था तो होता ब्लड में कैल्शियम लेवल कम करना. अब जब कैल्सिटोनिन खुद नहीं रहा तो ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज होता जाएगा. या दूसरी बात, डिफिशियंसी ऑफ कैल्सिटोनिन आर सफिशियंसी ऑफ पैराथार्मोन. सफिशियंसी ऑफ पैराथार्मोन का काम था ब्लड में कैल्शियम लेके आना, अब पैराथार्मोन खूब ज्यादा हो गया तो ज्यादा कैल्शियम ब्लड में आएगा, नॉर्मल से भी ज्यादा. दैट इज कॉल्ड हाइपरकैल्सीमिया. और हाइपोकैल्सीमिया इसके बिल्कुल अपोजिट होगा, डिफिशियंसी ऑफ पैराथार्मोन इन सफिशियंसी ऑफ कैल्सिटोनिन. अब मुझसे एक सवाल पूछे कि सर अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी पर कोई असर है? ओए लेवनिया,
बहुत सा फंक्शन है, बहुत सा इफेक्ट है। आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होगा, आपके बॉडी के जितने भी मसल हैं, मसल कंट्रैक्शन में रोल होता है, ये अपने स्केलेटल सिस्टम में पड़ा होगा, मसल स्ट्रक्चर में पड़ा होगा कि मसल कंट्रैक्शन के दौरान एक प्रोटीन है ट्रोपोनिन, इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ये कैल्शियम जाकर ट्रोपोनिन के साथ अटैच होकर उसे एक्टिवेट करता है, तो कैल्शियम मसल कॉन्ट्रेक्शन में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। और कैल्शियम मसल की तरफ आसमान से नहीं आता, अफगानिस्तान से भी नहीं आता, बल्कि ब्लड से आता है। तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल होना चाहिए फॉर द मसल कॉन्ट्रेक्शन एंड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ एम्पल्स। नर्व सिस्टम में भी अपने पड़ा होगा, जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज जाता है एम्पल्स, उसमें भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कैल्शियम की कमी होगी ब्लड में तो ट्रांसमिशन ऑफ एम्पल्स भी डिस्टर्ब होगा, और आप लोगों के पास क्या भी डिस्टर्ब होगा, मसल कॉन्ट्रेक्शन। और एक और एक्स्ट्रा पॉइंट अपनी तरफ से बता दूं, आपके ब्लड में कैल्शियम का रोल है ब्लड क्लॉटिंग। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में जब कट लग जाता है और खून आपकी बॉडी से बहना शुरू हो जाता है, तो कुछ केमिकल ऐसे हैं जो इस ब्लड को क्लॉट करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। उन केमिकल में एक है फिब्रिनोजिन, प्रोथ्रम्बिन, थ्रम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, प्रो एक्सेलरिन, प्रो कन्वर्टिन, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर ए, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर बी, थ्रम्बक्सिन, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर सी, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर डी, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, और इसके अलावा वाइटामिन के, और इसके अलावा प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें ब्लड क्लॉटिंग में रोल अदा करते हैं। इनमें एक मैंने कैल्शियम का भी लिया, तो कैल्शियम है रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। तो जब आपके ब्लड में कैल्शियम की डिफिशिएंसी आएगी तो ब्लड क्लॉटिंग भी डिस्टर्ब होगा। जिस तरह कैल्शियम की ब्लड में कमी की वजह से मसले बनते हैं, इस तरह अगर कैल्शियम बहुत ज्यादा हो गया ब्लड में तो भी मसले बनते हैं। ये हाई लेवल जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम है, ये जाकर आपकी किडनी में जमा होकर किडनी स्टोन बनाता है। इसके अलावा ज्यादा कैल्शियम भी नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, मसल कॉन्ट्रेक्शन को डिस्टर्ब, जो इस वजह से हर चीज को नॉर्मल लेवल में रखना चाहिए। वही न बदुमर खेगी चिसोक दे रोख तीर की, और न बदुमरत रखेगी चिसोक तीर मर चकी पशांत बिल्कुल खुले न गर्जई। बस दरमियान दरमियान के बकार चले बचे नून दोर वेर देरा सरा नूर बब्या हुआ। इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।